जैसी जैसी कोई नहीं। डियर रोहन, मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ। तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा पूरब और मुझे इस तरह लड़ते देखकर। मुझे भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए था तुम्हारे सामने। लेकिन रोहन, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ तुम्हें कि तुम और मैं अब भी फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स ही रहेंगे। आई लव यू रोहन, तुम्हारी जैसी दीदी। अरमान, जरा इसे एक बार तुम एज यूजुअल कंपनी चल रही है बगैर कैमरे। अरमान सर नहीं, आर्यन सर। अरमान ऑफिस आता भी है नहीं, या फिर सिर्फ चेक्स आ जाते हैं कहीं से, और वो भी गुलमोहर के नाम की नहीं, खुद उसके नाम के। 35 लाख। साल बाद अटका भी तो मिडिल क्लास लड़कियों के चक्कर में। सोच रहा हूँ जस्सी को बता दूं कि बैडी ने उसका आइडिया कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। बहुत खुश हो जाएगी ना वो। क्या कुछ देर और अगर तू अकलमंद बना रहे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब कि तू जस्सी को कुछ नहीं बताएगा, ये उसके लिए सरप्राइज रहेगा। भूल गया, 2 दिन बाद उसका असली बर्थडे, ये तेरा असली गिफ्ट होगा उसके। ये कैसे भूल सकता हूं मैं? बल्कि मुझे आजकल क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये सब जस्सी के दिमाग से सोचता पड़ता है। इनफैक्ट मेरी पूरी जिंदगी जस्सी के दिमाग से चली। एंड आई हेट फॉर दिस, आई जस्ट हेट। कुर्सी संभाल अभी, तो कुर्सी संभाल। वही तो कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ से आया ये? सर वो कौन जस्सी? वो अरमान सर आते ही होंगे। अरमान सर के आने से चेक की रकम बदलनी जाएगी। जहां तक मुझे पता है गुलमोहर के सारे पेमेंट्स डायरेक्टली बैंक अकाउंट पे जाते हैं, तो फिर ये अलग से चेक कैसे? मैं अरमान सर की सिर्फ एक असिस्टेंट हूँ सर, और आपके सवाल का जवाब सिर्फ अरमान सर ही दे सकते हैं। हेलो, हाँ मैं नीचे आ रही हूँ। Excuse me, sir. मुझे जाना है। चलो जैसे ये चेक यहाँ पर पड़ा था, मतलब कि आज ही आया। अरमान तो ऑफिस आया था, तो फिर और कौन आया था? आपको जो भी सवाल पूछने हैं आप अरमान सर से पूछ लेना, वही बता देंगे। अच्छा ये तो बताओ कि चेक पे साइन किसका है? पता नहीं जस्सी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे सारे सवालों का जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। I'm disgusted. Hi. Having a pleasant day? Carry on, okay? No! Mathily, right? Yes, sir. I can't believe it. Amazing, beautiful Ruby. So sorry, तुम कब से ऐसे लगने लगी, darling? कुछ ही दिन हुए sir. Nice ना? Very nice. It's my break के बाद वाला look. Okay, keep it up, honey. दिल की मुझे मेरे design की। Arman, Raj, I've decided हाँ, मैंने decide कर लिया। इस collection के लिए model होगी। Mathily types. Mathily. Right, you like her? Yeah, very good. Thanks. अपने रैंप को मैं एक मिडिल क्लास बाजार बना दूंगा जहाँ की मेरे डिजाइंस चमके। Mathily, come with me, honey. Follow me. Come, Ruby. Hello, Miss PT Usha. जी मैम। तुम्हारे बॉस कहाँ हैं?
मुझे नहीं पता। नहीं पता का क्या मतलब होता है? जो भी पूछो इनके पास एक ही जवाब है, पता नहीं। तुम सैलरी किस बात के लिए थी उजसी? राज रख। क्यों? कितनी बेवकूफ हो तुम। मैं ही फोन करके पता करती हूँ। वैसे आजकल जो कुछ भी जानना चाहो बस एक फोन कॉल की दूरी पर है। बैंक का मैनेजर मेरा अच्छा दोस्त है। ये चेक कहां से आया, साइन किसका है, मैं जब पता करना चाहूं कर सकता हूं। अगर आर्यन सर को मालूम पड़ गया कि ये चेक कोई नहीं का है, लगता है आज तेरा बहुत फायदे वाला दिन है। मॉडल का खर्चा भी बच गया। यार आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे कल के फैशन शो के लिए एक आखिरी काम करना है। I'll be back. अरे अरमान, अरमान। राजा, राजा अरमान सर कहाँ हैं? क्यों? मुझे उनको आर्यन सर बहुत अर्जेंट बात है। राजा कहाँ है वो? बाहर गया है। बाहर? तुम्हें अंदर करना है, इसी तो बाहर गया। मैं समझोगी तुम। बीट पकड़ो, बीट हाँ, 1 2 3 4 बीट, गुड। चलो फटाफट करके दिखाओ रूबी। मैथिली लास्ट टाइम, ओके? या बीट पकड़ के चल रहा, 1 2 3 4 क्या समझ में नहीं आता क्या? कम ऑन मैथिली, यू कैन डू इट, ओके? 1 2 3 4 या मेक इट बेटर। ऐसे जैसी क्या चल रही हो? Yes, darling. अरमान, मैं सत्यपाल को मुंह तक नहीं दिखा सकती। उसके कॉल अवॉइड कर दी तेरे। यही चाहते थे ना तुम? क्यों, मैंने कहा? मैंने सत्या से ऑलरेडी बात कर ली और शो भी कंफर्म कर दिया है। What? Of course. तुम उसे कुछ कहो, मैं ना करूं, ऐसा हो सकता है? अच्छा मलिका, लगता है दूसरी लाइन पे सत्या का फोन है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके? ओके। अरमान देख, अब जो भी है ये फैशन शो है। देख अरमान, ये फैशन शो हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि उस दिन जसी का बर्थडे भी है। तो ये तेरा बर्थडे गिफ्ट होगा जसी के लिए। सोच, अगर ये फैशन शो हिट हो जाता है तो कितनी हार्ड से जसी गुलमोहर में एंटर करेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द चीफ गेस्ट ऑफ दिस इवनिंग, विद जसमीत पोलिया। जिन्हें आज ये शो मैं डेडिकेट करता हूं, तुम्हारी लगन और मेहनत के नाम और मौत का ये छोटा सा सलाम। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने पेश है जस्सी जैसी कोई नहीं। सोच क्या रहा है यार, यू कैन डू इट। मैं करूंगा राज, मैं करूंगा। एंड आई लव यू, आई रियली लव यू। गुड गुड गुड। लेकिन तुझे एक और काम करना है। और अगर तूने ये काम कर दिया तो मैं गारंटी करता हूं कि ये शो हिट होगा, हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख यार, अगर तुझे सपने को हकीकत में बदलना है तो ये सब कुछ करना होगा। दैट्स दैट। हाँ बोल। ऐसे चलोगी तो मेरी रेपुटेशन तो हैंडल इट रूबी, मेरी रेपुटेशन तो बाहर में चली जाएगी। फैशन शो राज, ये नहीं हो सकता, मैं ये शो नहीं कर सकता हूँ। क्या हुआ? राज शो तो हो जाएगा लेकिन मेरा क्या होगा, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा ना। डैडी, ये आइडिया बहुत अच्छा है, कम ऑन, डोंट डू दिस प्लीज। राज, राज प्लीज, तुमने मैथिली को रैंप पर चलते देखा? मैं नहीं देख सकता। डैडी, डैडी सोचो, पब्लिक तो हिल जाएगी ना। जिनके लिए तुम ये कलेक्शन बना रहे हो, तुम उन्हीं से प्रेजेंट करवा रहे हो, तुम ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रहे हो। इज दैट सो? ऑफ कोर्स डैडी, ऑफ कोर्स। देखो तुम्हारे आसपास जो सादगी है, तुम उसे सजा कर तुम एक नई फैशन स्टेटमेंट बना रहे हो। यू आर क्रिएटिंग हिस्ट्री माय फ्रेंड इन द फैशन वर्ल्ड। आई एम, ऑफ कोर्स। अरे मिटना है तो कुछ करके मिटो, फैशन वर्ल्ड को कुछ देकर मिटो ना। मैंने तो अरमान को तुम्हारे लिए दो स्पेशल मॉडल्स लाने के लिए भी बोल दिया है। राज, राज, अगर मैं उड़ने लगूं ना तो मुझे संभाल लेना, ओके? ऑफ कोर्स, ये तो कोई बोलने की बात है, लेकिन हाँ, मलिका और जस्सी को बिल्कुल कुछ पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में। अरमान अपनी लाइफ की दो औरतों को भी ला रहा है, ओके? नॉटी है बोथ ऑफ यू। राज, इस शो का नाम क्या रखेंगे? वो मैं सोचता हूँ ना, तुम जाके काम करो ना। च-
जाओ जाओ जाओ। एंड बाय द वे वो दो लड़कियां हैं कौन? मॉडल्स। वो लड़कियां, वो मॉडल्स। ओके एनीवे आई सी यू। ओके हेलो, चलो मैथिली, रूबी, मरिया, बहुत काम है हमारे। लड़कियां हम मॉडलिंग इस उम्र में क्यों नहीं आते? After all, I'm a tackle. ये सब हम जस्सी के लिए तो कर। इसका मतलब ये शो जस्सी के नाम पे होगा? जस्सी को समर्पित। जस्सी की मेहनत, लगन और टैलेंट कोई नहीं रिवॉर्ड। इनफैक्ट हम सब की तरफ मेरी बेटी के नाम पे शो कर रहे हैं आप। शो अच्छा नहीं हुआ जस्सी जैसी को। जस्सी जैसी को इन पे नाम शो अंकल आर्टिस्ट फैशन इंडस्ट्री आज कभी भी ऐसा शो नहीं हुआ और ना ही आपने मेरे घर को समझ कर हमारे घर की औरतें छोटी छोटी स्कर्ट पहन कर नुमाइश मेरे किए किराए से क्यों पाए? आप क्या बात कर रहे हैं? ये मेरा लास्ट एंड फाइनल फैसला है। हाँ लेकिन आपका है। जैसी सर मुझे आपसे एक बात करनी है। देखो जैसी जो भी बात है तुम डिसाइड कर लो। तुम तो जानती हो ना कि मैं खुद से ज्यादा यकीन तुम पे करता हूँ और जब कोई भी डिसीजन लोगी वो मेरे लिए फाइनल। लेकिन सर आप है कहाँ? मैं कल के शो की तैयारी कर रहा हूँ जैसे। और वैसे भी तुमसे ज्यादा बड़ा गुलमोहर का और कौन सोच सकता है? तुम जो चाहोगी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे, बिल्कुल वैसे। सर लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा ना तुमसे ज्यादा अच्छा भला और कौन सोच सकता है? बल्कि मैं तो सोचता हूँ कभी कभी कि ऑफिस का सारा कामकाज तुम्हें देखकर मैं लंबी छुट्टी पे चला जाऊँ। वैसे आज के काम के बाद तुम भी छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? काफी थक गई होगी ना। ओके बड़ी सो जैसी वो इतना सब कुछ किया उसने गुलमोहर के लिए, मुझे लगता है मुझे भी थोड़ा बहुत करना चाहिए। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। स्कर्ट नहीं पहनेगी जी। मेरे घर की औरतें छोटी छोटी स्कर्ट पहन करके अपनी नुमाइश नहीं करेगी। आगे आपसे ये किसने कह दिया कि ये फैशन शो छोटी स्कर्ट है? बेबी और आंटी अंकल, बेबी और आंटी को छोटी स्कर्ट्स पहना के स्टेज पे जी? आप ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हैं आंटी? मैं तो आपकी जस्सी बेबी आंटी सबकी इतनी इज्जत करता हूँ और आपको लगता है कि मैं बिल्लो तू भी ना बचपन से ही मिर्च खा के बोलता है। अरे सुन तो लेता इसकी बात। बेबे आंटी इस शो का नाम होगा जस्सी जैसी कोई नहीं और इस शो में हम वही कपड़े दिखाएंगे जो जस्सी अपनी जिंदगी में पहनती है। That's it. देख लेकिन मुझे भी यकीन है कि अंकल ने मेरे बारे में ऐसा सोचा। इस तरीके के शो में ऐसे कपड़े पहनते हैं ना कि आप भी ना कभी कभी इतनी टकचानूसी बातें करते हैं कि शर्म आती है। तू भी किसके मुंह लग रही है अमित? देख इस घर में सबसे बड़ी मैं हूँ, मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। चल अब मुझे थोड़ी मालूम था बेबे के जस्सी जैसे कपड़े होंगे। तो ठीक है देखिए अब आपके लिए खिचड़ी बना के रख दी है, रायते के साथ खा लीजिएगा और टाइम से खाइएगा। चलिए हेलो मिस्टर कुलकर्णी। यस जी मैं जस्सी बोल रही हूँ गुलमोहर से। सर एक्चुअली ना एक प्रॉब्लम थी, कुछ लोग बार बार ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो कौन है और किस लिए हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन मैडम आप चिंता मत कीजिए, अगर खुद अरमान जी का भी फ़ोन आया तो मैं नहीं बताऊंगा। वैसे भी ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है बैंक और कस्टमर के बीच की। थैंक यू वेरी मच सर। अब इतनी तारीफ की है तो काम भी तो उतना करना ही पड़ेगा ना। इतना बड़ा शो है और मुझे पता है आपने पक्का डेट मार्क नहीं की होगी।
बदसूरत लड़की के जन्मदिन पर खूबसूरती का शो। आपको मेरा बर्थडे याद रहेगा अरमान सर? कैसे बातें करें, किसी को मेरा बर्थडे क्यों याद रहेगा? और वैसे भी अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ ना, तो ये बर्थडे शर्दे तो सिर्फ बच्चों को ही शोभा देता है, मुझ जैसी लड़कियों को नहीं। मैडी ने डिजाइन किया है। ये लिफ्ट यहाँ से हम लोग, यहाँ से मैं अपने ऑफिस जाता हूँ। सामने मैडी का स्ट्रीट। अच्छा। और ये मैडी। अच्छा है ना बेबी? आप लोग आराम से यहाँ बैठिए। बैठिए। मैं आप लोगों के लिए चाय या कॉफी का इंतजाम करूंगा। ओके, बैठिए आराम से। हाँ हाँ, ठीक है। मल्लिका, तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं सिर्फ मैडी से मिलना चाहती हूँ और मैम परी उसकी मदद करना चाहती है, कल के शो के लिए वॉलंटियर कर रही है। मैडी शायद अंदर नहीं है। सब कुछ कितना बड़ा है ना यहाँ। अरे अपनी जस्सी भी तो बड़ी है। अरे ये सब कहाँ चले गए? ये बेचारा तो हमें यहाँ बिठा के चला गया। कहीं जस्सी आ गई तो वो क्या कहेगी? अरे अमृत, तू भी ना, इतना बड़ा दफ्तर है, पूरी भूल भुलैया है, तुझे लगता है जस्सी हमें देख लेगी? जस्सी, सर आप कहाँ थे? मुझे आपसे बात करनी थी। मैं पूछ रहा हूँ तुम इस वक्त इस कॉरिडोर में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ सर, मैं काम करने जा रही थी। जैसे तुम्हारा काम या तो मेरे कैबिन में होता है या अपने कैबिन में। तुम इस वक्त यहाँ जो कोई पाक नहीं है जैसे, या तुम घूमती फिर जाओ अपने कैबिन में, जाओ काम करो। अरमान साहब, किसी और का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हैं? मैंने तो आपसे कहा ना कि मैं काम करने जा रही हूँ, लेकिन अब मैं वही करूंगी जो आपने मुझे सुबह कहा। मैं भी छुट्टी ले लूंगी, मेरा काम खत्म, मैं जा रही हूँ। और हाँ, ये बहुत गलत बात होती है अरमान सर, जब मन किया तो तारीफ कर दी और जब मन किया तो डांट दिया। मैं जा रही हूँ। और मैं सोच रही थी कि इन्हें मेरा बर्थडे याद रहेगा। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।